शुभकामनाओं के साथ आपकी मांग का सम्मान करते हुए आज से पुनः वीडियो न्यूज का प्रसारण श्री डुगरगढ़ टाइम्स द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं हमारे क्षेत्र की आज की खास खबरों पर। श्री डुगरगढ़ पुलिस का माननीय चेहरा आया सामने। कार्डू रोड से श्री डुगरगढ़ में प्रवेश पर बनाया जा रहा है भव्य शिव द्वार। धूमधाम से क्षेत्र में मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा का त्योहार। सचेत रहे श्री डुगरगढ़ के नागरिक, त्योहारी सीजन में घूम रहे हैं जेब कतरे और चोर। थाना अधिकारी ने की ये अपील। बढ़ रहा है डेंगू, विधायक पहुंचे अस्पताल और दी प्रबंधन को हिदायत। प्रधान प्रतिनिधि ने किया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन, की विकास कार्यों की घोषणा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का श्री डुगरगढ़ व आड़सर में किया गया स्वागत सम्मान, दी गई विदाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार शाम को श्री डुगरगढ़ पुलिस की मानवीयता सामने आई। कस्बे की घूम चक्कर पर एक अधेड़ महिला घूमते हुए नजर आई, जिसकी सूचना श्री डुगरगढ़ पुलिस को दी गई। हेड कांस्टेबल आवरदान और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार गुज्जर मौके पर पहुंचे और महिला से पूछताछ की। महिला ने अपना नाम शायरा बताया, वे पति का नाम यूनुस और निवासी अलीगढ़ यूपी का होना बताया। हेड कांस्टेबल आवरदान ने महिला के भोजन की व्यवस्था घूम चक्कर पर की और उसे रात्रि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। आवरदान ने सभी से मिल करके चंदा किया और पीबीएम के राजकुमार से बात करके महिला को रात्रि को बीकानेर के सामाजिक सेवा केंद्र में पहुंचाया। श्री डुंगरगढ़ में कालू रोड की ओर से प्रवेश करने पर नागरिक अब शिव द्वार से प्रवेश करेंगे। हाईस्कूल के पास मार्ग पर भव्य शिव द्वार का निर्माण जीव जतन जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है और आज राजगुरु पंडित देवीलाल उपाध्याय व रामदेव उपाध्याय के निर्देशन में द्वार की नींव का पूजन कार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष जतनलाल पारक व उनकी पत्नी कंचन देवी ने संपन्न करवाया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक गिरधारी लाल मैया और नगर पालिका अध्यक्ष मानवल शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने जतनलाल पारक का आभार प्रकट किया और शुभकामनाएं दी। पूजन के दौरान उप प्रधान प्रतिनिधि मालचंद नैन, रतन पारक, मनोज पारक, शिव स्वामी, नथुनाथ मंडा, शरण कुमार सिंधी, सत्यनारायण स्वामी, रतन सिंह राठौड़, तोलाराम मारू, भवनलाल दुगड़, चुनीलाल टाटा, निर्मल डागा, पालिका जयन, भरत गौड़ और चेतन स्वामी उपस्थित रहे। आज श्री डुंगरगढ़ के पूरे अंचल में शरद पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर घर में खीर बनाकर हनुमान जी को भोग लगाई जा रही है। मंगलवार रात कस्बे के प्रसिद्ध हनुमान धोरा मंदिर में 21 किलो खीर का भोग लगाया गया और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। आज मंदिर में 51 किलो खीर का भोग लगाया जाएगा तथा जागरण का रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु आज बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। यहां वार्ड 29 में स्थित संजीवन हरिराम बाबा के मंदिर में भी भव्य जागरण का आयोजन किया गया और यहां भी बाबा को मतीरे और खीर का भोग लगाया गया। पंडित कृष्ण शर्मा पुजारी शरण कुमार शर्मा ने पूजा अर्चना कर जोत करवाई व जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन में तिलोक चंद हिरावत, चंद्र प्रकाश सेठिया, विक्रम सिंह कोटड़िया, हनुमान नाई, भगवान राम नाई और लक्ष्मी नारायण तामणिया, पवन हिरावत, शंकर दर्जी आदि कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। वही गाँव बाडेला में आपने श्रीधर गोपाल गौशाला में 2 क्विंटल लापसी मंगलवार को शाम भामाशाह नेताराम गोदारा द्वारा बनवाई गई तथा आज सुबह गोवंश को खिलाई गई। यहाँ पर गांव के युवाओं ने अपनी सेवा। कोरोना के बाद त्योहारी दीपावली का सीजन आने पर बाजार में चहल पहल है और व्यापारी, घरेलू महिलाएं, ग्राहक, ग्रामीण सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, परंतु इस रंग में भंग डालने का काम शातिर चोर और जेब कतरे कर रहे हैं। क्षेत्र के नागरिक सावधान हो और अपने रुपयों और गहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। थानाधिकारी वेदपाल शिवराण ने कहा कि आमजन जागरूक होकर अपने धन की सुरक्षा करें और कोई अजनबी नजदीक आए तो पहले से सचेत हो जाएं, सतर्क रहते हुए किसी जान पहचान के स्थान पर जाएं और किसी को सूचित करें। श्री डुगरगढ़ टाइम्स लगातार क्षेत्र में डेंगू से बिगड़ते हालातों से नागरिकों को सचेत कर रहा है। अस्पताल में व्यवस्था सुधार की जनता की आवाज भी टाइम्स द्वारा उठाई जा रही है, परंतु इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। आज विधायक गिरधारी लाल मैया अचानक अस्पताल पहुंचे। वे गैलरी में एक बेड पर दो दो मरीजों को और तीन तीन मरीजों को देखकर नाराजगी प्रकट की। मैया ने अस्पताल प्रबंधन को हिदायत देते हुए
तुरंत अतिरिक्त डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद मैया ने बीकानेर सीएमएचओ से दूरभाष पर बात करके निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को सुधारने की बात कही, साथ ही जांच की मशीनें बंद होने से मरीजों को हो रही परेशानी से अवगत करवाया और तुरंत मशीनों को दुरुस्त करवाने की मांग भी की। गांव भुजास में प्रधान प्रतिनिधि केसरा राम गोदारा ने तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्कूल में गोदारा ने ब्लॉक व छत के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की तो ग्रामीणों ने केसरा राम गोदारा का आभार जताया। सरपंच पार्वती देवी गोदारा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा व गाँव भुजास में बेड़ीसर के ग्रामीण मान सिंह, मोहन सिंह, गणेश राम पटोलिया, नारायण गोदारा, गोपीनाथ शिव सिंह, हनुमान सोनी, ओम प्रकाश सोनी, मुकेश कसवा, पप्पू सिंह, हुंडा राम, राजू सिंह, भागीरथ सिंह, नेम सिंह, शरण सिंह, राजन मुंड, सही राम गोदारा, बीरबल राम गोदारा, लूणा राम मेघवाल, रतन सिंह, लाल सिंह सहित तहसील भर के खिलाड़ी मौजूद रहे। बीकानेर प्रवास पूरा होने पर सरदार शहर लौट रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को श्री डूगरगढ़ क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं ने शॉल उड़ाकर फूल मालाएं पहनाकर विदाई दी। इस दौरान शहर भाजपा अध्यक्ष महावीर अड़ावलिया, रामगोपाल सुथार, मानवल शर्मा, बंसीधर गुज्जर, लीलाधर बोत्र, शिव स्वामी, हेमनाथ जाखड़ सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांव आड़सर में भी पुनिया का स्वागत सम्मान किया गया। यहां मोहन सिंह राजपुरोहित ने पुनिया को साफा पहनाया व सुरेश सिंह राजपुरोहित ने शॉल उड़ाया। एडवोकेट दिलीप सिंह राजपुरोहित ने पुनिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया। देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, रामगोपाल सुथार, छेलू सिंह शेखावत, जिला महामंत्री गोमनाथ सर, मोमासर मंडल अध्यक्ष गंगाधर शर्मा व भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिंह आड़सर का भी ग्रामीणों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच भरत कुमार, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि शिव भगवान जोशी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भीमनाथ सिद्ध, वार्ड पंच सावरमल व्यास, गोविंद राम नायक, दौलत सुथार, ओबीसी मोर्चा के भगवती प्रसाद लखारा व आसपास के गाँव के ग्रामीण व आड़सर के ग्रामीण भी शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम का मंच संचालन शिव स्वामी ने किया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के सभी प्रामाणिक व विश्वसनीय समाचारों से जुड़ने के लिए आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।